तो सोचा क्या था तूने? इन सब चीजों को अलग अलग बनाएगा और ये एक साथ रहने लग जाएंगी। अनेकता में एकता। बुलशिट। याद रख, साथ वो ही रह सकते हैं जो एक हो, जिनकी सोच एक हो। तू ऐसा कर, कुछ ऐसा बना जो बस मुझे पसंद है। तो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ एक जैसा बनाऊं। मतलब इन्हें मेरी कला कुछ पसंद ही नहीं आई। और अगर बाकी सब भी इन्हीं की तरह निकले तो नहीं, तो ना तो मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊंगा जो कि मेरा मास्टरपीस। एक ऐसा मॉडल जिस पर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, जो कि कठोर से कठोर आदमी को भी भा जाएगा। लेकिन मैं ये मॉडल बनाऊंगा कैसे? महाराजा अग्रसेन, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाट्य संस्थाया प्रस्तुत करती हूँ मैं स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक पेपर वर्क। ये बिकी है गवर्नमेंट। अरे मैं कह रहा हूँ, देखो कैमरे वाली, ये बिकी है गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं रखा है, ये सारे मिलके पागल बना रहे हैं। ये साले का अरे कंध चला रहे हैं। अरे बेटा, आंटी तेरी क्या समस्या है? हिंदुस्तान में ना फ्रीडम ही फ्रीडम है, आजादी ही आजादी। अगर उसका इस्तेमाल ढंग से किया जाए तो। पर यहाँ पर ना सबको बस अपने ही फ्रीडम की पड़ी है। न जाने कब कोई आएगा और इन्हें ये समझाएगा कि इतनी अलग सोच रखने वाले लोग एक साथ रह ही नहीं सकते। स्वागत है आपका प्राइम टाइम पे। जी हाँ, और आज का मुद्दा बताइए। पिंडू जी आज का मुद्दा 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 आ रहा है।
लाल चुन नहीं है आज का मुद्दा, इस लाल चुन नहीं इस मुद्दा। जी हाँ, और आज हमारे पैनलिस्ट हैं सरदारों के खाता और ये संतों के पापा। ये है हमारे मौलवी जी कादर। हम हैं चर्च के फादर। ब्लेस यू चाइल्ड, ब्लेस यू। अरे मुन्नी के सगे मिंटू जी चुन्नी की बात कर जाते हो और हमारी वैष्णव माता भूल जाते हो। चुप कर कर कर, इतना साड़ी रूम अल्लाह साहब है। वाहेगुरु वाहेगुरु। क्या क्रिश्चियन लोग, क्या बेबी सरप्राइज तो नहीं आए हैं? अरे नहीं 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 नहीं, जीसस से रेड ब्लड शेड करा था, उसी रेड कलर की है ये बेचपन, आज हमारी है। अरे मियां, क्या रेड रेड ब्लड ब्लड लगा रखे हैं? आपके ब्लड ज्यादा रेड, हमारे पान की ठीक है। अरे अभी वो जो मेरी क्रिसमस पे सांता क्लॉज आया था, वो भी तो रेड कलर का ही सूट पहन कर आया था। सरदार जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम्स बोरिंग होते हैं? अरे भैया कहे के बोरिंग, हमारे सल्लू भाई के गाने का दीदार तो किया होगा। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के जोगे से। लेकिन दुपट्टा तो हमारी प्रियंका चोपड़ा जी का था ना। और आपके मौलवी साहब तो वैसे ही कहते हैं कि देश से बढ़कर धर्म है, तो जाओ ना अपने देश। घर वापसी पे उठाया हिंदुओं ने मुस्लिमों पे सवाल। अरे मिंटू जी, क्या ये देश हमारा नहीं है? हमें क्या पता भाई। एक मिनट, यहाँ बैठी जनता से ही पूछ लेते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय ये सोचते हैं कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए। अरे बताइए बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। 5 हाथ खड़े हैं, 10%। अरे मिंटू जी, अस्सी प्रतिशत जी हाँ, 80%। अब तुम मान गए होगे, ये है हम इरा हमारा पहुंचा, कब से ढूंढ रही थी रे। अरे अरे वो जगह पता नहीं, लेकिन वो शिवलिंग तो हमारे है। अरे मैं टेररिस्ट ब्रो। ओ पुत्तर, ऐसे क्या कर रही है तू? वो तू बोला था लड़ेगा करके, तभी तो मैं बॉम्ब फोड़ेगा ना ब्रो। अरे चाइल्ड, अभी हम आपस में लड़ तो रहे हैं, अभी हमें आपकी जरूरत नहीं, आपको बाद में बुलाएंगे कभी। ओके ब्रो। देखा, कहा था ना मैंने कि इतनी अलग सोच रखने वाले लोग एक साथ रह ही नहीं सकते। पर इन्हें कोई समझाए तो कहते हैं कि भैया आई डोंट गिव अ फक, और फिर ये लोग लड़ते हैं और कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है ना वो इंटॉलरेंट हो रहा है। या, इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट इंटॉलरेंट तो मेरा जो मॉडल होगा ना, मेरा जो मास्टरपीस होगा, वो इस दुनिया से इंटॉलरेंस जैसे शब्दों का नामो निशान ही मिटा देगा। उन लेफ्टिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देगा और राइटिस्ट का औजार बन जाएगा। तो मैं द ग्रेटेस्ट ओरिगामी आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ये प्रूव करके रहूंगा कि इंटॉलरेंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अरे पानी लाओ। मर गया। अरे खाओ बच्चों। उसको दे दिए
सियासत के हिस्से में बचा है नेशनलिज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट दैट वी शुड स्टैंड एट द नेशनल एंथम एट एनी कॉस्ट। अरे हो तालियां बजा रहे, तुम लोग बैठे हो, खड़े हो, हमारा नेशनल एंथम बज रहा है यार। इतना बड़ा देश है पगले, कहीं ना कहीं तो बज ही रहा होगा। तो मेरी गाइडेंस कैसे में आया है, एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। आगे इसके आगे, इसके आगे, हाँ टुवर्ड्स इंडिया, आई मस्ट हेट पाकिस्तान। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को ना न्यूक्लियर बम से ही उड़ा देना चाहिए। अब मैडम जी आप ही बताइए, अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हम अपना नेशनलिज्म प्रूव कैसे करेंगे? मेरी विरासत के हिस्से में आया है बिलोंगिंग टू योर ओन कंट्री मींस मींस हाँ मींस यू नो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज योर ओन कंट्री। हाँ हो गया, कंप्लीट हो गया भाई, मजा आ गया। मैं कह रहा था इंडिया इज अ वेरी पुअर कंट्री। पुअर? अरे बिल्कुल पुअर यार, देखो मैडम जी का जींस भी फट गया। अजी मैं कह रहा था इंडिया इज अ वेरी करप्ट कंट्री। करप्ट? अरे करप्ट तो है ही, सारे चोर भरे हुए पूरी दुनिया है। अजी मैं कह रहा था इंडिया इज अ वेरी इंटॉलरेंट कंट्री। अरे पूरी इंटॉलरेंट इंटॉलरेंट बोले मारो साले को। Nationalism is a way of thinking that states that every individual must have a sense of belonging towards your own country. बस नहीं, I mean मेरे masterpiece के लिए this is not suitable. तो तुम एक काम करो, अपनी अपनी इन इंटरप्रिटेशन को एज इट इज अपने पास ही रखो, और अगर कोई इनके खिलाफ जाए तो उस पर देशद्रोह का थप्पा भी लगाओ। तो नेशनलिज्म को हमने एक धर्म तो मान लिया है, लेकिन क्या हमने बाकी धर्मों को भी एक माना है? और वो भी छोड़िए, कम से कम अपने धर्म का पालन तो ढंग से करिए। डिबी डिबी चा, व्हाट कलर डू यू वांट? मैंने बचपन से सिर्फ एक ही रंग देखा है, क्या मैं कोई और रंग चुन सकता हूँ? रंग रंग तो सिर्फ एक ही है, क्या तरफ तेरे लिए हमारा धर्म भी सबसे बड़ा है। अरे
तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना तो मैंने खा लिया है, लेकिन इस फीडबैक पे एक ही ऑप्शन है, एक्सीलेंट। यस सर, बिकॉज़ वी आर मच इनक्रेडिबल। अच्छा, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू आई एम अ हैप्पी कस्टमर। अरे ऑफ कोर्स सर, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू। अरे अरे बॉस, नया कस्टमर आया है। अफगानी मुर्गा ले आओ। हाँ मुर्गा, मुर्गी क्यों नहीं? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मुर्गी क्या मुर्गों से ज्यादा अच्छी नहीं होती? टेस्टी नहीं होती, अरे नहीं नहीं स्पाइसी नहीं होती है ना? तुम्हें पता भी है, अगर मुर्गी नहीं होती तो मुझे भी नहीं होती। सर मेरी कैसे लोग हैं यार? सर आप इनको छोड़िए, आप बस ये बताइए कि आप खाने में क्या लेंगे सर? हाँ यार, एक वर्जिन मोहितो तो ले आओ। वर्जिन मोहितो बेबी, इसके सामने वर्जिन बोला और ये क्यूटी पाई भी नहीं। वर्जिन बोलता है वो भी मोहितो के साथ। क्या इसके घर वालों ने, इसके माँ बाप ने इसे सिखाया नहीं है कि सबके सामने वर्जिन? इसकी माँ का मोहितो सर क्या है वसीम? अरे मुझे नहीं बैठना है यार, और ना ही कुछ ऑर्डर करना है। नहीं नहीं तुम्हें काम करो, मेरा ऑर्डर ना तू अपने बाकी सब कस्टमर्स से ही ले रहा है। नहीं सर, आप हमारे भगवान समान है सर। यार भगवान वगैरह छोड़ो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारा ये रेस्टोरेंट चल भी कैसे रहा है। तुम नाम बताओ अपने रेस्टोरेंट का, तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं अभी करूंगा। तुम नाम बताओ, अरे यार कह दिया एक बार, नाम बताओ। इंडिया। इतनी मेहनत से बनाया था इसे, इतनी बारीकी से एक फोल्ड किया था और सब खराब कर दिया इसने। इतना करीब था मैं अपने उस मास्टरपीस के और, पर कोई बात नहीं, शायद बस उसे एक फोल्ड की कमी रह गई होगी जो मैं मारना भूल गया था। तो ये हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, और ये आठ, 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 अरे पांच। कब से कोशिश कर रहा है छल, कपट, हिंसा और क्या क्या नहीं अपनाया तूने? तू फिर भी नहीं कर पाया ना वो आठवां फोल्ड, जिस कागज को आठवां फोल्ड देकर तू अपना पेपर वर्क बनाना चाहता था। हर फोल्ड के साथ उस इंसान का दायरा कम करना चाहता था ना, एक इंसान को तू एक हद तक ही दबा सकता है, कुचल सकता है, छीन सकता है उसने उसकी फ्रीडम, लेकिन उसके बाद तो वो विद्रोह करेगा ही। और मैं तो कहता हूं उतार दे अपना एक कुर्ता और चला जा उन्हीं लोगों के बीच जो तेरी जैसी सोच रखते हैं। Nice!
लोगों के बीच ही है तेरी सही जगह। तो अगर आप सब भी इन भाई साहब की तरह किसी भ्रम में जी रहे हैं ना, तो इंटॉलरेंस से रिलेटेड सभी समस्याओं का हल ये हेल्पलाइन। इंटॉलरेंस को मिटाने के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं होती, तो जरूरत क्या है? जरूरत है अपनी सोच को एक ओपन अप्रोच देने की। जरा सोच के देखिए कि अगर आपका पेपर किसी दूसरे के पेपर के साथ जुड़ जाए तो आपका दायरा कितना ही बड़ा हो जाएगा ना। आपकी सोच मेरे या किसी संस्थान के हाथ में नहीं है, आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। धन्यवाद।